बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं बाबू, करते क्या है कि इसको रट लेते हैं, रट के बना देते हैं। रटना क्या है यार, ये चुटकियों में बनेंगे जानते हो कैसे? सबसे पहले साबित करना है कि देखिए ये अपरिमेय है क्योंकि रूट में है, तो इस क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय एक और कहते हैं पॉइंट के बाद अगर अलग अलग नंबर आए और कभी खत्म नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग अपरिमेय, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय कहते हैं। इसको साबित करना है कि अपरिमेय। हम लोग किसी चीज़ को साबित अगर करना हो तो कई तरीकों से कर देते हैं, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले इसको साबित करना है ना अपरिमेय, हम अपरिमेय साबित नहीं करेंगे, हम इसको साबित करेंगे जबरदस्ती कि परिमेय है, खूब दिमाग लगाएंगे। परिमेय का मतलब क्या होता है? बट्टा। इसको बट्टा में लिखेंगे, खूब लिखेंगे, खूब मेहनत करेंगे, और नहीं बना तो हम कहेंगे कि इसका मतलब कि हम जो माने थे ना परिमेय, वो मानना गलत है क्योंकि ये पहले से ही क्या था? अपरिमेय था। इस तरह भी साबित ये हो जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं परिमेय को बट्टा में लिखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। तो हमको ये हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम चलते हैं मानने जबरदस्ती इसको कि माना कि क्या मानेंगे, 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब बात रहा कि भाई परिमेय ये है, तो इसका मतलब इसको बट्टा में, अब परिमेय लिख दिया तो इसका परिमेय नामों का तो इज्जत करना पड़ेगा ना, यानी परिमेय का मतलब बट्टा में हो, तो इसे हम बट्टा में भी लिख देते हैं। ट्राई पूरा कर रहे हैं, देखो मेहनत पूरा कर रहे हैं परिमेय साबित, अगर नहीं हुआ तब डायरेक्ट है कि हम जो माने हैं वो गलत है क्योंकि ये क्या था? अपरिमेय था, साबित हो गया। अब इसको जबरदस्ती जब परिमेय माने हैं तो इसका इज्जत कर रहे हैं, 2 + p/a क्या हो जाएगा? क्यू, बट्टा में हो गया ना। अब परिमेय माने हैं तो बट्टा में लिख दिए। अब एक काम करते हैं, हम नंबर जो भी ये बाहर है ना इसको इस साइड भेज दे रहे हैं। देखिए ये बहुत आसान है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच जाएगा 2√5, ये बट्टा में है, ये परिमेय है, ठीक है। और ये हो जाएगा p/q-3, ये लिख दीजिएगा 2√5, ये बट्टा का कर लीजिए आप क्या यहाँ पे जोड़ घटाओ, अच्छा से लिख दे 2√5, ये हो जाएगा क्यू, p-3q, ये बट्टा का हम घटाव यहाँ पे कर लिए। अब 2 को भी भेज दें तो 2 यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √5 = p-3q, और ये नीचे जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q। अब गौर से देखिए, ये बन गया, हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखिए तो ये वाला बट्टा में एक तरफ है परिमेय, इधर रूट में है ये अपरिमेय है, आप बीच में देखो ध्यान से हम बराबर दिए। आप बताइए कि एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय बीच में बराबर, बराबर का मतलब जानते हो क्या होता है? ये दोनों बराबर है, यानी ये भी परिमेय है ये भी परिमेय है, लेकिन आपको दिख रहा है परिमेय है, गलत है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, ये परिमेय है बट्टा में, आई रूट में, ये अपरिमेय, आई दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा मानना गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज ही लिख दो खाली, 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जबकि p-3q/2q ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, संख्या से लिख लीजिएगा है, जो कभी कभी बराबर नहीं हो सकता है। ये कैसे बराबर होगा? एक परिमेय एक अपरिमेय दोनों बीच में बराबर, ये गलत है, परिमेय नहीं हो सकता है। अब डायरेक्ट लिखो, अतः हमारा मानना ही गलत है भाई, ये बराबर है ही नहीं, तो हमारा मानना गलत है। यहाँ लिख लीजिए कि हमारा मानना गलत था कि यहाँ पे क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि कितना है 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या, यहाँ लिख लीजिएगा, इसीलिए 3 + 2√5 ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। ये 2 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये छोटा है, लेकिन ये वाला जो है ये सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे हम लोग। ये आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखिए यस सर आई एम रेडी, एकदम हम तैयार हैं, अब टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, और जा करके पूरा का पूरा उखाड़ करके आएंगे, पूरा पेपर फाड़ करके, फाड़ना नहीं है मतलब अच्छा से लिख करके आएंगे, और 100 में 95-97 नंबर मैथ में आ जाता है, वो मैथ में नंबर नहीं कटता है। तो बिना देर के हम लोग √3 को साबित करते हैं। अब क्वेश्चन को साबित करने पता है क्या चलता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वही बात पहले परिमेय मानेंगे, अब परिमेय का इज्जत रखने के लिए उससे लिखेंगे कि भाई ये बट्टा में जबरदस्ती है, ठीक है। यहाँ देखिए √3 एक, यहाँ लिख लीजिएगा
माना कि रूट थ्री ए क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब भाई परिमेय मान लिए हैं तो इसका तो इज्जत करना पड़ेगा, तो यहां मान लिए p बाई क्यू। फिर भी हम एक चीज देख रहे हैं कि ये दोनों में अभी भी ये परिमेय नहीं बना, भले परिमेय माने रूट को हटाएंगे तो रूट को देखो हम परिमेय माने हैं तो इसको किसी तरह परिमेय में दिखा के रहेंगे। ठीक, यहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक मत मानो, p और q सह अभाज्य मानो, सह अभाज्य है। अब कहिएगा सर ये सह अभाज्य मतलब p और q का एच सी एफ निकलेगा माने महत्तम, तो सिर्फ एक से कटेगा, किससे कटेगा एक से। अगर p के नीचे अगर एक को छोड़कर के दूसरा कोई नंबर आया तभी भी हम मानना, हमारा मानना गलत हो जाएगा, सिर्फ p के नीचे एक आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, यानी कि एच सी एफ हमेशा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। अब यहाँ देखो हम रूट थ्री को क्या मान लिए हैं, परिमेय मान लिए हैं, इतना के लिए इसका इज्जत रखने के लिए p बाई क्यू लिख दिए। अभी भी इस परिमेय नहीं दिख रहा है, भले माने हैं लेकिन नहीं दिख रहा है, रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाने के लिए जब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अपने से रूट हट जाता है, तो अपने से करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर और बराबर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर, हाँ अब परिमेय नंबर रूट हट गया, परिमेय दिखने लगा। लेकिन एक और मामला है ना, एगो से तो आराम से छुटकारा पा लिए, लेकिन एक शर्त था कि नीचे पी के नीचे सिर्फ एक आना चाहिए, दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। तिरछा तिरछी थोड़ा गुणा करो तो थ्री क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब तीन को भेज दो इधर तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा तीन। लो मामला फंस गया, यहाँ पे क्या हो गया, P के नीचे तीन आ गया जबकि तीन नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब कि हम परिमेय साबित कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। परिमेय कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, एक सिर्फ आएगा, नीचे किससे कटेगा एक से, लेकिन यहाँ तीन से कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि मामला फंस गया है, ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि पी स्क्वायर को कौन भाग दे रहा है, तीन भाग दे रहा है, पी स्क्वायर को, पी स्क्वायर तीन से विभाजित होता है, तीन से विभाजित हो रहा है, लिख सकते हो। ठीक है, अगर p पर से स्क्वायर को हटा दे तो p डायरेक्ट लिखना, p तीन से विभाजित होगा, p तीन से विभाजित, p तीन से भी विभाजित हो रहा है। अब देखो यहीं से तो लड़का फंस जाता है कि सर यही काम वहां दो बार कर दिया जाता है और ये साबित हो जाता है, लेकिन लड़का कहता है सर कितना बड़ा है, इसी को दो बार कर दो, कैसे, ये p और तीन दिख रहा है, इसी को एक बार लिख दो यहाँ पे p और बराबर बीच में डाल देना थ्री, अपना से कोई भी एबीसीडी का नंबर मान लेना के, एक बार इसी को बना देना, कहां से, जिस तरह वर्क करने पड़ते यहां से वर्क कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार पी के नीचे तीन है एक बार क्यू के नीचे तीन आ जाएगा। यहां देखिए दोनों तरफ वर्ग यहां लिख दीजिएगा, तो जब वर्ग कीजिएगा ऐसे कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर तीन त्रिका नौ के स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान यहां देखिए, पी स्क्वायर की जगह कितना है थ्री क्यू स्क्वायर और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9k स्क्वायर, इसको कटा दीजिए तीन तरीका 9 क्यू स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर, तीन को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो गया k स्क्वायर। फिर हमारा मानना गलत हो गया यार, उस समय से हम गलत साबित करना था अपरिमेय, जबरदस्ती साबित करने गए परिमेय, अब परिमेय साबित करने के लिए सिर्फ नंबर के नीचे एक से ही कटना चाहिए, जब क्योंकि P और Q क्या है सह अभाज्य है, इसीलिए सह अभाज्य का मतलब एच सी एफ एक होना चाहिए, जबकि P के नीचे भी तीन आ गया और Q के नीचे भी तीन आ गया, तो पहले ही मानना हमारा गलत हो गया। फिर अब हो गया, बन गया, ये हो गया काम खत्म, लैंग्वेज यही चीज लिख दीजिएगा सेम, यहाँ पे जहाँ P है ना वहाँ Q डाल दीजिए, वही Q स्क्वायर किससे विभाजित होता है तीन से विभाजित होता है, और यहाँ खाली Q भी लिख दीजिए, Q भी तीन से क्या होगा विभाजित होगा, इतना हो गया। अब लैंग्वेज लिख दीजिए, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत हो गया भाई, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट तीन, एक मार्कर खत्म हो गया, एक मिनट, रूट तीन एक परिमेय संख्या है,
हमारा मानना गलत है, इसीलिए हम भाई क्लियर अब हो गए संतुष्ट। तीन बार फेल हो गए, पहला यहाँ फेल हो गए, दूसरा कि सोचे कि एक से कटेगा लेकिन तीन से कट गया, यहाँ भी तीन से कट गया, इसीलिए भाई हम फेल हो गए। अतः इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है या होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है, इसको एक परिमेय मानिएगा, परिमेय का इज्जत बचाने के लिए p बाई क्यू लिख दीजिएगा दोनों। अब देखिए फिर भी ये परिमेय नहीं दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम कर दिए स्क्वायर, पहला ये भी हो गया। जब स्क्वायर किए, तिरछा तिरछी गुणा किए, तो एक बार p के नीचे तीन आ गया, उसके बाद से एक बार किसके नीचे, q के नीचे तीन आ गया। भाई ये हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हमारा मानना गलत हो गया कि एक परिमेय है, क्योंकि ये क्या था, अपरिमेय संख्या था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में नाव वाला क्वेश्चन पूछता है, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल कई बार पूछा गया, इसको देखते हैं। पांच नंबर वाला में ना अनुकूल और प्रतिकूल ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। और एक और राशि की बात बता दे, एक और क्वेश्चन पूछता है स्पीड वाला, कैसे पूछेगा, कोई गाड़ी इतना के स्पीड से चल रही है, अगर उसके स्पीड को या तो बढ़ाएगा और नहीं तो घटाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पांच नंबर में हर साल आता है और हर साल आएगा, कोई कोई साल अल्टरनेट किया नहीं तो हर साल पूछा गया, ठीक है। यहाँ अनुकूल प्रतिकूल का एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद से डाउट आपका खत्म हो जाएगा। अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है अगर कोई पानी बह रहा है, अब पानी के साथों साथ आप बह रहे हैं तो खूब अच्छा आराम से बह जाएंगे ना, लेकिन आप बताइए पानी इधर से बह रहा है और आप इधर से चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में हालत खराब हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल। क्या कहते हैं, प्रतिकूल। तो आपसे अगर हम पूछें कि आप अगर नाव चला रहे हैं तो आपकी स्पीड जो होगी किधर से ज़्यादा होगी, पानी के साथों साथ यानी पानी के अनुकूल अगर नाव चलाइएगा तब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी कि प्रतिकूल चलाइएगा तब ज़्यादा होगी। तो आप कहिएगा सर अनुकूल चलाएंगे ना तो नाव का स्पीड, आप पानी जो बह रहा है तो पानी कुछ स्पीड से बह रहा होगा तो दोनों का स्पीड मिल करके स्पीड वह बढ़ जाता है, लेकिन अगर पानी इधर से आ रहा है और नाव इधर से चढ़ रही है तो ये क्या करेगा, पानी रोकेगा तो नाव स्लो हो जाती है। समझ में आया इतना, तो अनुकूल में स्पीड बढ़ जाता है यानी स्पीड को जोड़ देते हैं और प्रतिकूल में स्पीड को घटा देते हैं। तो पहले पता है क्या करते हैं, एक लड़की निशा है पानी में तैर रही है, तो कुछ तैर रही है तो अपना भी ताकत लगा रही है, अगर उसी दिशा में पानी भी बह रहा है तो पानी भी अपना ताकत लगा रहा है, तो अनुकूल में दोनों के स्पीड को मिला के लिखेंगे और प्रतिकूल में घटा के लिखेंगे क्योंकि विरोध करेगा प्रतिकूल। तो यहां लिख रहे हैं कि माना कि, ध्यान से देखिए, माना कि, अच्छा नंबर पाने के लिए इस तरह लिखना पड़ेगा, माना कि स्थिर जल में, अभी मान लो पानी रुका रहता, स्थिर जल में निशा की चाल कुछ होगा, स्थिर हटाइए दीजिएगा, तो मान लीजिए निशा कुछ स्पीड से चल रही है, निशा की चाल कितना है, तो चाल लिख दे रहे हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिख रहे हैं कि निशा तो x के हिसाब से चल रही है, सपोज मान लीजिए एक तरह से कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है निशा, अब पानी भी जा रहा है 10 किलोमीटर के स्पीड से, तो दोनों का स्पीड वह मिल जाएगा, तो दोनों मिलकर कितना का स्पीड भागेगा, 15 का स्पीड भागेगा। वैसे ही यहाँ पे जब निशा का स्पीड हो गया x, तो धारा का भी देख ले रहे हैं भाई, क्या पानी का स्पीड क्या है, धारा की चाल ये मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम मान रहे हैं कि चाल तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों साथों साथ बहेगा, जिधर से पानी बह रही उधर से धारा, यानी धारा की चाल यहां लिख रहे हैं, देखो धारा के अनुकूल अनुकूल निशा की चाल, निशा की चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई दोनों मिल जाएगा ना, अनुकूल में दोनों स्पीड और बढ़ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल निशा की चाल x माइनस वाई कम हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया। अब आप प्रश्न से यहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रश्न से देखो, यहाँ बेचारी 2 घंटा चली है पानी के साथों साथ, तो खूब बढ़िया 20 किलोमीटर चली गई है, क्योंकि पानी उधर से बहा के ले जा रहा था, लेकिन उन्हें से आने में 2 घंटा चली है, तो मात्र 4 किलोमीटर आई, अभी 16 किलोमीटर बाकी है, हालत खराब हो गया है कि नहीं, तो समय तो 2 ही घंटा लगा है, लेकिन अनुकूल में क्या हो गया है, अनुकूल में समय 2 घंटा, लेकिन क्या हो गया, दूरी ज़्यादा तय की है और उल्टा आने में 4 किलोमीटर चली है। तो यहाँ प्रश्न से लिख रहे हैं, यहाँ देखेंगे समय बराबर लिख रहे हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक, समय 2 घंटा लिखे अनुकूल का, पहले लिख रहे हैं अनुकूल, तो अनुकूल कितना हो जाएगा, 20 और बट्टा, ठीक।
ठीक है, प्रतिकूल कितना, यहाँ पे चाल हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ लिख दे रहे हैं अनुकूल से, ठीक। अब देखिए ये कटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण एक, समीकरण एक मान लीजिए इसको। अब मानते हैं यहाँ पे प्रतिकूल, प्रतिकूल यहाँ लिख सकते हो लैंग्वेज में धारा के प्रतिकूल लगा समय, यहाँ पे देखिए लिख लीजिए धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल आने में लगा समय ही तो निकालना है ना, समय बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी कितना दूर गई है, मात्र 4 किलोमीटर गई है, और देखिए समय सॉरी दूरी बट्टा चाल होता है, तो चाल हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। समय आपके पास था 2 घंटा, ये 4x-y, 2 × 4 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब जब 1 और 2 पता हो गया, आ गया आंसर सिंपल, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए चाहे जोड़ दीजिए, जो मन करना है कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। समीकरण 1 प्लस हम 2 लिख दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो चलिए जोड़ रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10 और ये हो गया x माइनस वाई बराबर 2। अगर आपको जोड़ना है तो बराबर के एक तरफ वाले को एक तरफ जोड़िए और एक तरफ वाले को एक तरफ जोड़िए, ठीक है। सिंबल नहीं बदलता है जोड़ते समय, खत्म हो गया, ये हो गया 2x और बराबर ये हो जाएगा 10 और 2 12। अब ये नहीं बता रहे हैं कि कब बदलता है कब नहीं बदलता है, उतना समय आपके पास नहीं है, जोड़ते समय जानिए नहीं बदलता है, ठीक है। ये हो जाएगा 6x बराबर आ गया 6, यानी कि पता है निशा 6 किलोमीटर के स्पीड से भाग रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रही है, तो भाई नाव कितना स्पीड से, मतलब भाई धारा कितना स्पीड से बहेगी, तो x का मान भर दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां हो जाएगा आपका x का मान आया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6, y बराबर 4 हो गया, हो गया कि नहीं। तो यहां आराम से लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि निशा की चाल, निशा की चाल कितना है, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पे हो जाएगा धारा की चाल, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम आपसे पूछें कि दोनों मिला के कितना के स्पीड से जा रहा था लो, तो 6 और 4 10 के हिसाब से जा रहा था लो, और उधर से आने की बात करें तो इधर से देखिए समझिएगा, इधर से 4 किलोमीटर के हिसाब से पानी ठेल रहा है और इधर से 6 के स्पीड से भाग रही है, तो इसका चार टकरा के ख़त्म हो जाएगा, तो उधर से मात्र 2 के स्पीड से आएगी, इसीलिए मात्र 2 किलोमीटर के हिसाब से 4 ही किलोमीटर 2 घंटा में पहुंची है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला धारा के अनुकूल और प्रतिकूल आपको समझ में आया होगा, और एक मैराथन का वीडियो अगले दिन ही अपलोड होने वाला है, पूरा 1 से लेकर 15 तक में जो जो मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव, 1 लेसन से 10 ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा नहीं है, मात्र 10, और इस 10 में से 1 वाइबो करेगा, आपको पहले बता दे रहे, और उसका सब्जेक्टिव भी है, लेकिन उसमें सब्जेक्टिव बनाए नहीं है, हर लेसन से इंपॉर्टेंट 2-2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी बड़ा वाला क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव डाल दिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बाबू बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।